नमस्कार, नीतिस कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे का लच्छा पराठा। ये देखिए आप कितने अच्छे सारे बहुत सारे लेयर वाला पराठा बनाने वाले हैं हम। और ये मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी कि किस तरह से बनता है। ये देखिए कितना अच्छे से बिल्कुल सिकते ही बिल्कुल एक एक इसकी जो लेयर है बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लच्छा पराठा बनाना और आज एक नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं ये 2 कप जो है गेहूं का आटा ले रही हूँ। ये 1 कप मैं ले चुकी हूँ इसके अंदर और 1 कप मैं और लूँगी। ये मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ी सी अजवाइन। ये ऑप्शनल है, आप इसको चाहें तो नहीं डाल सकते हैं इसमें। और इसके अलावा मैं डालने वाली हूँ इसमें नमक, ये अपने स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून डाला है और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ये लगभग मैं इसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच ऑयल। ये भी ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं ये कम और ज़्यादा। तो चलिए अब इसका आटा लगा लेते हैं। अच्छे से पहले इसको जो इसमें ऑयल डाला है उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको इस तरह से मसल के। अब हम आटा लगा लेते हैं इसका। इसका जो आटा लगेगा वो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट लगेगा और ना बहुत ज़्यादा नरम लगेगा, ठीक ठीक लगेगा बिल्कुल। तो ये देखिए आटा मैंने लगा लिया है, ये लगभग इस तरह का लगाया है आटा। ये देखिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना बहुत ज़्यादा टाइट है ये। तो इस तरह का आटा लगा लूँगी मैं और उसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा बाहर से चिकना करूँगी ताकि जब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो ये ऊपर की लेयर इसकी सूखेगी नहीं आटे की। तो इस तरह से अब मैं इसको थोड़ी देर ढक करके लगभग 15 मिनट के लिए रखूंगी ताकि ये थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको खोल के और ये देखिए आटा बहुत ही अच्छे से एकदम से ये देखिए कितना अच्छे से चिकना हो गया है बिल्कुल बहुत बढ़िया से। अब मैं इसको स्लैब पर रख देती हूँ। आपको ये लच्छा पराठा बनाने के लिए हम इसका चकले का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये पराठा थोड़ा सा बड़ा बेलता है और बेलने में इसको जो है आसानी भी रहती है स्प्रेड करने में। इसके लिए मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रही हूँ। आपको अगर छोटा बनाना है तो आप उस चकले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 1 लोई जो है इस तरह से ये साइज में लगभग इसकी बनाऊंगी क्योंकि जो है इसका पराठा जो है थोड़ा सा मोटा बनता है। तो ये इस तरह का 1 साइज में बनाऊंगी और 1 और मैं बना लेती हूँ अभी। ये 2 पराठे मैं बनाऊंगी अभी हल। तो ये मैं बनाकर अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसको बेलना। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है थोड़ा सा इसका पलोथन लेंगे। आप इसमें तेल का भी और पलोथन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम इसको बेलेंगे इस तरह से। मैंने इसमें अजवाइन डाली है, उसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, वो ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसका पराठा जो है थोड़ा सा मोटा बिलता है तो इसलिए मैंने इसकी लोई जो है थोड़ी सी बड़ी ली है। तो ये मैंने इतना बड़ा कर लिया है। तो अब जो है इसके लच्छे बनाने हम स्टार्ट करते हैं। तो लच्छे बनाने के लिए मैं आपको 2 तरीके से बनाना बताऊंगी इसको। एक तरीका जो है सबसे पहले ये ऑयल जो है हमने लिया है इसको हम इस पर स्प्रेड करेंगे अच्छे से। बहुत सारा इसमें ऑयल लगता है क्योंकि लच्छा पराठा अगर आप खाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल तो आप सोच लीजिए कि ये जो है हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें कम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो लच्छा पराठा नहीं होगा। अब देखिए ना, पैटीज हम खाते हैं उसमें खूब सारी लेयर्स होती हैं तो नेचुरली सी बात है उसमें खूब सारा ऑयल या घी होता है। मैं इसमें बेलने के लिए इसको मैं इसको तैयार करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसके लिए घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा और अच्छा सा रिच चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको लच्छे बनाना इसका। इसके लच्छे बनाने के लिए जो मैं इसमें से इस तरह से कट लगाऊंगी, ये देखिए ये इस तरह से, बस इसकी जो कॉर्नर है वो नहीं कटना चाहिए बिल्कुल भी, बीच में से हम इसको अच्छे से काट लेंगे इस तरह से खूब सारा बारीक 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 बारीक। ये मैं गेहूं के आटे का बना रही हूँ लच्छा पराठा, आप मैदा का भी बना सकते हैं वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने पूरा पराठे को इस तरह से बीच में से लंबा लंबा इस तरह से काट लिया है। अब हम इसको एक साथ इकट्ठा करेंगे, ये देखिए इस तरह से
ये बहुत ही आसानी से इकट्ठा हो जाता है, चिपकता बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा ऑयल लगाया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इस तरह से आप इसको इकट्ठा कर लीजिए। ये देखिए, अब जो आता है इसका मेन स्टेप आता है, इकट्ठा करने के बाद आपको इसको इस तरह से हाथ में लेना है, और हाथ में लेने के बाद इसको जिस तरह से हम कोई चुन्नी वगैरह या कुछ इस तरह से कुछ लपेट लेते हैं, उस तरह से इसको हम लपेट लेंगे और इसको इसकी लोई बना लेंगे। ये देखिए आप इस तरह से, ये इस तरह से बनाइए, और ये बीच में इस तरह से इसको जो बीच में जो होल था उसको इस तरह से कर दीजिए। तो ये हमारी एक लोई बन करके तैयार हो चुकी है, तो इसको हम अलग रख देते हैं। जब आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला हो फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से इसकी लोई बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप उसकी लोई पहले से बना के रख लीजिए इकट्ठा करके ढक करके, और उसके बाद जो है आप गरम गरम बस फटाफट बेलते जाइए। तो अब मैं दूसरा वाला बना लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ। इसको भी मैं उसी तरह से काट लूंगी। तो ये लीजिए, ये मैंने इकट्ठा कर लिया है, अब मैं इसको भी उसी की तरह से फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए कितने आराम से इसकी लोई बन गई है। ये तो ये इस तरह से लोई बन चुकी है इसकी। तो ये दो हमारे लच्छे पराठे के पेड़े बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम पहले वाले को जो है स्प्रेड करके और इसका लच्छा पराठा बना लेते हैं। इसको फ्रेंड्स आपको बेलन से बिल्कुल भी नहीं बेलना है, क्योंकि बेलन से क्या होता है इसकी जो लेयर्स हैं वो चिपक जाती हैं। इसको आप हाथ से ही बेलिए, इस तरह से दबा दबा के इसको प्रेस करके, और इसको बड़ा करना है, और बहुत आसानी से हो जाता है। घबराने वाली कोई बात नहीं है कि कैसे होगा, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये देखिए इस तरह से साइज आपको जितना बड़ा चाहिए पराठे का उतना बड़ा कर दीजिए। ये देखिए आप, दिख रही है आपको इसकी लेयर्स जो बन रही हैं, इसको शेप देते हुए, गोल शेप देते हुए इस तरह से आप इसको पराठा बना लीजिए। तो ये बिल चुका है हमारा एक पराठा, तो मैं इसको अलग रख देती हूँ। ये देखिए इसको मैं हटा देती हूँ, और इसी तरह से मैं ये दूसरा वाला भी स्प्रेड करते हुए धीरे धीरे फिंगर्स से इसको, ये देखिए एक बार मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ उसका, कितने अच्छे से इसमें बारीक 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 लेयर्स आई हैं, कितने अच्छे से लच्छे आए हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरह से। अब इसका जो स्टेप आता है मेन, वो आता है इसको किस तरह से फोल्ड करना है। तो ये देखिए आप, इसको फोल्ड करने के लिए तरीका अलग होता है। ये इस तरह से बहुत ही पतला पतला, ये देखिए इस तरह से एक बार इस तरफ करिए और एक बार इसको करिए ऑपोजिट साइड, इस तरह से जितना पतला हो सकता है उतना पतला करिए आप इसको, ताकि उतने ही इसमें लच्छे बनेंगे। ये देखिए इस तरह से एक बार यूं करना है, 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 इस तरह से इसको फोल्ड करते जाइए। ये देखिए आप इस तरह से, और इसको दबाते जाइए थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से, बहुत बारीक बारीक इसके फोल्ड बनाने हैं इस तरह से। ये आप बनाते जाइए और आगे बढ़ाते जाइए इसको। ये देखिए आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। आप इसको घर पे ट्राई करिएगा, लच्छा पराठा अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है, ट्राई नहीं किया है तो। ये देखिए फिर इसको मैं एक और कर लूंगी। लच्छा पराठे का नाम सुनते ही सबको मजा आ जाता है कि खाने को बहुत बढ़िया टेस्टी आज कुछ मिलने वाला है, लच्छा पराठा बन रहा है घर पे, बस इसको कभी कभार ही खा सकते हैं हम। तो ये मैं इसको बनाती जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये एक बॉल की तरह बनता जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको दबाते जाइए, नहीं तो ये गिर जाएगा। आपको दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में कि नहीं दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। तो ये देखिए बस एक दो बार और इसको फोल्ड करना है। जितना अच्छे से आप इसको बारीकी से फोल्ड करेंगे, इसके लच्छे उतने ही ज्यादा बनेंगे। कंप्लीट हो गया है पराठा,
फिर इसकी हम उसी तरह से जो हमने पहले वाले पराठे के लिए लोई बनाई थी बिल्कुल वैसे ही इसकी लोई बनेगी। ये लास्ट वाला रह गया है बिल्कुल, तो इसको भी मैं इस तरह से, ये देखिए आप, तो ये कंप्लीट हो चुकी है जो हमने लेयर्स बनाई थी। अब इसको हम एक एक करके यहां एक साइड से आपको स्टार्ट करना है और इसको इस तरह से घुमाते जाइए। ये देखिए इस तरह से इसको रोल कर लीजिए अच्छे से, ये देखिए। और सबसे लास्ट वाला जो है इसको हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे यहाँ पर, और ये इस तरह से दबा देंगे। ये देखिए बन गई है लेयर्स अच्छे से, तो इसको भी हम उसी तरह से स्प्रेड करते हुए इसको बढ़ा देंगे आगे पराठे को, और इसको स्प्रेड करते हुए इसका। तो ये तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो मैं अब इस पर ये पराठा डाल लेती हूँ। इसको हमको हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है बिल्कुल भी, इसको जितना अच्छे से आप लो फ्लेम पे बनाएंगे उतना ही अच्छा सा ये सिकेगा और बहुत ही बढ़िया इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा पराठे का। इसको हम लो फ्लेम पे सेकेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक तरफ से नीचे से थोड़ा थोड़ा सिक गया है, तो इसको हम पलट लेते हैं। ये देखिए दिख रहा है बहुत अच्छा सा, तो ये पीछे से भी थोड़ा थोड़ा सिक गया है, ये देखिए। तो अब हम इस पे तेल लगा लेते हैं। तेल भी इसमें हमने पहले बेलते समय भी खूब सारा लगाया था और सेकते समय भी इसमें खूब सारा तेल लगाना है, तो आप तेल अच्छे से लगाइए। अब इसको मैं पलट लेती हूँ। ये देखिए आपको जो निशान दिख रहे हैं ये जले हुए निशान नहीं है बिल्कुल भी, ये लो फ्लेम पे जब हम कोई चीज सेकते हैं तो इसी तरह के निशान आते हैं पराठे पर, क्योंकि मैं इसको लो फ्लेम पे सेक रही हूँ। एक तो क्या होता है इसका कारण देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, दूसरी बात ये कि ये पराठा जो है थोड़ा सा थिक होता है, तो इसलिए इसको हम लो फ्लेम पे सेकेंगे तो ये अंदर तक सिक जाएगा बहुत ही अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छे से कलर आया है पराठे का। इसको इस तरह से आप दबा करके भी सेक सकते हैं, मैं पराठे सेकने के लिए अक्सर ये काम में लेती हूँ, तो इस तरह भी आप सेक सकते हैं दबा करके भी। इससे क्या होता है कि ये थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है इसके ऊपर, तो ये बहुत अच्छे से इसका जो है सेकने के जो निशान आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक गया है पराठा। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और अब हम इस पे डालेंगे दूसरा वाला पराठा। इतने खस्ता और इतने क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए आप कितने अच्छे से इनके लेयर्स निकल के आई हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। इसको दाल के साथ सर्व कीजिए, पनीर की सब्जी के साथ सर्व कीजिए, किसी के साथ भी सर्व कीजिए। ये देखिए एक एक करके इसके लेयर्स कितने अच्छे से खुल रही हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है ये पराठा। तो आप इसको घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, मैंने इसकी दो तरह की इसकी रेसिपी बताई है, दोनों तरह के आप बना के कोशिश कीजिएगा बनाने की, और अगर अच्छा सा बनता है आपसे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।